औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा चैनल देखने वालों को मेरा सलाम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं आसानी के साथ। तो आइए, सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त एक वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड बड़े मज़े के साथ आप चेंज कर सकते हैं। गूगल में जाके आप लिखें जी remove.vg, ये आपकी वेबसाइट ओपन होगी जो आप देख रहे हैं। और इसके अंदर आप जनाब आपको ऑप्शन मिलेगा जी अपलोड इमेज। आपकी अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जहाँ पे जो तस्वीरें पड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पर हमारे एक नाम तो है अरूण फातमा, हम इसकी तस्वीर को लेंगे। ये तस्वीर हमारी ये आ गई, हम इसको ओपन करेंगे। ये आपके पास ओपन हो रही है और ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड तब्दील हो रहा है। ये देखिए, ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रहा है। ये PNG फाइल बन गई है आपकी ज़बरदस्त, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका एडिट करें। एडिट करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप जिस किस्म का भी आपके पास बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कलर्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने हैं, ये आप बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। लेकिन हमने पासपोर्ट साइज तस्वीर बनानी है तो हमने कलर चूज़ करना है, तो हम कलर भी चूज़ करते हैं जो आपकी मर्ज़ी है, या देख सकते हैं। तो हम कलर चूज़ कर रहे हैं, ज़बरदस्त ये आपकी तस्वीर बन गई है। और इसको आप कटिंग भी कर सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं, जहाँ से मर्ज़ी है रोटेट भी कर सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको आप मर्ज़ी है आप जितना तब्दील करना चाहें आप कर सकते हैं। ये तस्वीर इसको आप भी ओपन भी कर लें फोटोज के साथ। इसका साइज अगर बड़ा है तो आप उसको कटिंग कर सकते हैं, फिर तो पासपोर्ट साइज तस्वीर और बग़ैर किसी का फोटाप के आप बेहतरीन इससे अर्निंग कर सकते हैं प्रोग्राम से। अप्लाई करें और ये जनाब अपडेट ओरिजिनल कर दें, ये आपकी बेहतरीन तस्वीर आपकी बन जाएगी। इस तरह आप बहुत से तस्वीर को इसको ख़त्म करें और क्रॉस कर दें, और इसको जहाँ से क्रॉस करें फिर आप नई अपलोड करें। पिक्चर एक बार फिर देख लें कि कहाँ पे पड़ी हुई है। फोल्डर के अंदर हमारी बच्ची का नाम है हिरा काजमी, इसकी तस्वीर को हमने अपलोड करना है। इसका पीछे बैकग्राउंड बिल्कुल जो है वो ब्राउन कलर का लगा हुआ है। तो देखें जी, इसने बिल्कुल ऑटोमेटिक ख़त्म कर दी। इसको एडिट करें, एडिट करने के बाद कलर चूज़ करें। कलर चूज़ करेंगे जो भी आपको अच्छा लगता है कलर, आप उसको चूज़ कर लें और इसको डाउनलोड कर लें। जब डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास जहाँ पे फोल्डर पर डाउनलोड का है वहाँ पे आपके पास डाउनलोड होगी। इसको आप ओपन विद कर लें कटिंग करने के लिए। अगर ना भी करें तो ये आपकी तस्वीर बेहतरीन पोजीशन में है और इसको आप पासपोर्ट साइज यानी नीचे बैकग्राउंड में बगैर किसी और सॉफ्टवेयर के आप यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अगर आप कहते हैं कि जी नहीं, हमने इसका बैकग्राउंड या आपने कोई ऐसी तस्वीर अपलोड करनी है जिसका बैकग्राउंड कोई और, मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपके पास, ये मेरी तस्वीर एक ओपन कर गई है। इस तस्वीर को आप देखें और इसका बैकग्राउंड चेक करें कि ये हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये तस्वीर थी मेरी, अब इसको हमने बैकग्राउंड एडिट करना है तो हम एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे ये देखें जी, पहले वाली तस्वीर और अब जो है मेरे पास जो तस्वीर है जो मैंने अपडेट करनी है बैकग्राउंड, तो वो जी बैकग्राउंड के लिए
कहता हूँ कि जी कुछ ऐसी ही तस्वीर बैकग्राउंड, ये देखें जी बैकग्राउंड, तो देखें तस्वीर के आगे मैं थोड़ा सा कंदम के अंदर खड़ा हुआ था, तो वो देखें और आप देखें कि ये तस्वीर कैसी प्यारी बनी है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करेंगे ये तस्वीर आपके पास माशाल्लाह ओपन हो गई है और इस तरीके से आप बेहतरीन तस्वीर अपनी कटिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और शेयर करें।